नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये दो चार्ट है जो आपको हमेशा शर्ट कटिंग में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमेशा आपके पास रहेगा और ये शर्ट कटिंग में काम आ जाएगा। देखिए ये जो चार्ट है, पहला यहाँ पहला कॉलम है सब चेस्ट की साइज है। ये देखिए 28 से लेकर 56 तक, यानी कि 56 इंच। और ये दूसरा कॉलम है, देखिए आर्म होल डाउन, ये शर्ट के लिए स्लीव का आर्म होल कितना डाउन करना है किस साइज के लिए, तो ये कॉलम में ये आपको रेडी मिल जाएगा। कटिंग करते वक्त कोई हिसाब किताब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये स्लीव का आर्म होल डाउन करने का ये जो कॉलम है कितना साइज के लिए कितना डाउन करना है। और देखिए ये तीसरा कॉलम शर्ट के लिए कितना आर्म होल डाउन करना है, ये शर्ट के लिए ये तीसरा कॉलम है ये साइज के हिसाब से। तो देखिए फॉर एग्जांपल के लिए ये बताता हूँ, अगर 36 इंच का शीना है तो स्लीव का जो आर्म होल डाउन करते हैं तो उसको 4 इंच तक डाउन करना है, इससे आगे नहीं जाना है। आप इसे 2 सूत कम भी ले सकते हैं लेकिन इसके आगे नहीं जाना है। और शर्ट के लिए जो डाउन करना है ये 9 इंच, 36 इंच के लिए 9 इंच डाउन करना है। तो इस तरह ये अलग अलग साइज के लिए ये आर्म होल स्लीव के लिए और शर्ट की फ्रंट के लिए ये डाउन करने के लिए ये रेडी आपको चार्ट काम में आ जाएगा। देखिए और ये जो दूसरी बाजू है चार्ट की, देखिए ये है सीने की साइज़ यानी चेस्ट साइज़ 28 से लेकर 56 इंच तक, ये देखिए। तो इसे शोल्डर डाउन शर्ट के लिए और कोट के लिए, आप देखिए अगर 28 इंच का शर्ट है तो डाउन कितना करना है शोल्डर, 30 इंच का है तो कितना डाउन करना है शोल्डर, ये शर्ट के लिए है। अगर देखिए आप 36 इंच का शर्ट कटिंग करने जा रहे हैं तो इसके लिए 2 इंच का डाउन करना है और कोट हो तो 2.25 इंच का करना है। तो इस हिसाब से ये शर्ट के लिए शोल्डर डाउनिंग और कोट के लिए ये शोल्डर डाउनिंग का ये चार्ट है। ठीक उसी तरह ये जो दूसरा चार्ट है गले का राउंड शर्ट के लिए किस तरह काटना है इसके लिए, ये देखिए समझो 12 इंच का गले का राउंड है, 12.5-13 ये गले की राउंड की साइज़ है। देखिए यहाँ, ये देखिए यहाँ 16, 16.5, 17, 17.5, 18 ये 20, 20.5 तक। हालांकि हमेशा रेगुलर साइज़ तो यहाँ ही ख़त्म हो जाती है, 18, 18.5 इंच तक ही कस्टमर आते हैं, ये तो बहुत ही रेयर केस है। 19-20 तक गले का राउंड के कस्टमर आना ये तो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन 18, 18.5 इंच तक गले का राउंड के कस्टमर आते हैं। तो देखिए गले का राउंड का पहला कॉलम है और ये दूसरा जो गले का राउंड है उसका पार्ट है तीसरा। अगर कॉलर का राउंड 12 है तो उसका तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट और ये छठा पार्ट। अब देखिए उदाहरण के लिए मैं 16 इंच का गले का राउंड का लेता हूँ जो हमेशा काम में आता है। तो देखिए 16 इंच का गले का राउंड है तो इसका तीसरा पार्ट हो गया 5.3 इंच, 5.25 इंच, और 16 गले का राउंड का चौथा पार्ट 4 इंच, 16 गले का राउंड पांचवा पार्ट 3.2 इंच यानी कि 3.25, और इसी 16 गले का राउंड का छठा पार्ट है 2.6 इंच यानी कि 2.5 इंच और 1 सूत। लेकिन ये गले के राउंड ये पार्ट कहाँ यूज़ होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। देखिए ये थोड़ी देर के लिए ये तीसरा पार्ट भूल जाइए, कॉलम भूल जाइए, क्योंकि ये जो है तीसरा पार्ट कैनवास पर कॉलर बनाने के लिए काम आता है, ये कटिंग में काम नहीं आता। जब हम कैनवास पर कस्टम कॉलर बनाते हैं तभी ये काम आता है, मैं ये भी बताऊंगा कहाँ काम आता है, ये चौथा पार्ट कहाँ काम आता है और ये पांचवा और छठा। तो आप इसे भी, ये देखिए इसे भी आप अपनी मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह हमेशा आपके लिए बहुत काम आ जाएगा। मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इस कॉलम का। तो मैं आप इस गले वाला शर्ट कटिंग करने जा रहा हूँ, 16.5 इंच का गले का राउंड है। तो देखिए इसका यूज, ये 5.5 इंच का जो तीसरा पार्ट है मैंने बताया था ये कॉलर बनाने के लिए काम आता है, ये शर्ट कटिंग के लिए
यह इसका कुछ काम नहीं है। तो आगे जाते हैं, देखिए ये फोर्थ पार्ट 16.5 इंच का फोर्थ पार्ट कहाँ आता है काम। तो देखिए ये 1 इंच मैंने ऊपर छोड़ा है क्योंकि यहाँ शर्ट का शोल्डर का जो फ्रंट पार्ट है एक्स्ट्रा यहाँ लगेगा, यहाँ से मैंने लेंथ शर्ट की एडजस्ट कर ली है, इसलिए ये 1 इंच ऊपर छोड़ के। देखिए यहाँ 16.5 इंच का गले का राउंड है, तो इसका चौथा हिस्सा यहाँ काम करना है, यह चौथा हिस्सा यहाँ लेना है। देखिए 4.12 यानी कि 4 इंच और 1 सूत। तो देखिए यहाँ 4 इंच और 1 सूत पर एक मार्क लगा है, तो इस तरह ये गले का चौथा राउंड यहाँ काम आ जाएगा। देखिए अब देखिए ये शर्ट जो है 16.5 गले का राउंड है, तो इसका छठा पार्ट 2.75 2.75 इंच। तो देखिए ये 2.75 इंच, ये देखिए 2.75 यानी कि 2.75 इंच। ये देखिए दूसरी वाली लाइन है, ये फोल्डिंग लाइन छोड़ के ये दूसरी वाली जो लाइन है यहाँ से आगे छठा हिस्सा लेना है कॉलर राउंड का। ये देखिए यहाँ ये 16.5 इंच का जो पांचवा हिस्सा लेते हैं यानी कि 3.3 इंच यानी कि 3.25 इंच, तो वो भी सही है लेकिन वो यहाँ से लेते हैं। ये देखिए ये फोल्डिंग वाली लाइन से लेते हैं। देखिए अगर यहाँ से लोगे ये फोल्डिंग वाली लाइन से, तो देखिए ये बिल्कुल ये भी सही है, पांचवा हिस्सा 3.3 इंच। ये देखिए यहाँ, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ छठा हिस्सा लेना ही सही समझता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप ये जो काज बटन वाली लाइन है इसके आगे ये लाइन बहुत आगे भी ले सकते हैं, 1.25 इंच तक 1 इंच तक भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की शोपट्टी पे निर्भर होता है। इसलिए ये लाइन से मैं कभी पांचवा हिस्सा नहीं लेता, इसी दूसरी लाइन से छठा हिस्सा लेता हूँ। ये लाइन 1-2 सूत इधर उधर भी हो सकती है, इसलिए यहाँ से लेना मैं सही नहीं समझता, आप भी यहाँ से छठा हिस्सा लीजिए। तो ये देखिए इस तरह ये डीप कॉलर गले का डीप और ये विड्थनेस ये किस तरह इस चार्ट के हिसाब से लेना है यहाँ मैंने आपको बताया है। तो देखिए लेकिन काटते वक्त देखिए ये जो सही डीपनेस है, लेकिन काटने के लिए आपने यहाँ से काटना है, ये देखिए, क्योंकि कॉलर बिठाते वक्त ये बाकी का हिस्सा आप कॉलर बिठाते वक्त छाट सकते हो। ये हो गया गले के राउंड के लिए इस चार्ट का कैसा यूज करना है। अब देखिए दूसरा चार्ट है जो आर्म होल के लिए, ये देखिए यहाँ दूसरे चार्ट को किस तरह यूज करना है। अब देखिए मैं अभी ये 43 इंच की चेस्ट वाला शर्ट कटिंग करने जा रहा हूँ। देखिए अभी यहाँ 43 नहीं है, यहाँ बीच में ये 42 और 44 चेस्ट का साइज़ का हिसाब है। यहाँ ये स्लीव डाउन, ये स्लीव आर्म होल डाउन और ये शर्ट का आर्म होल डाउन। तो देखिए मेरे हाथ में जो शर्ट है ये कटिंग करने जा रहा हूँ, ये 43 इंच का शर्ट काटने जा रहा हूँ, लेकिन मैं 42 इंच का शर्ट का हिसाब रखूँगा। तो ये देखिए स्लीव काटते वक्त मैं आर्म होल डाउन करूँगा 4.5 इंच का, और शर्ट का जो डाउनिंग है वो 10 इंच। तो देखिए इस तरह, ये देखिए मैंने पहले बताया 1 इंच शोल्डर के लिए, ये शोल्डर सामने आएगा इसलिए मैंने यहाँ से ये 1 इंच ऊपर छोड़ दिया है। तो ये देखिए ये 10 इंच पर मैंने आर्म होल डाउन किया है शर्ट का, और ये देखिए ये साइज, अब देखिए ये शोल्डर डाउन, तो देखिए 42 इंच के लिए 2.25 इंच। तो मैं इस तरह, अब देखिए ये 20 इंच का शोल्डर है, यहाँ 10 पे एक मार किया और ये 2.25 इंच पर यहाँ शोल्डर डाउन करूँगा। तो दोस्तों इस तरह ये दोनों चार्ट आपके लिए
काम आ जाएगी। ये आप जब कटिंग करोगे नए हो और हमेशा कैलकुलेटर लेके कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, हमेशा आप जब कटिंग टेबल पे काम करोगे तो ये सामने इस तरह चार्ट बना के सामने दीवार पे चिपकाओगे, तो इस पे ही नज़र डाल के आप कटिंग के वक्त जिस जिस साइज की आप शर्ट कटिंग करने जा रहे हो उसी कॉलम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए कैलकुलेशन करने का जो वक्त है वो ज़्यादा नहीं लगेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और हमारे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।